सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज का वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं कि स्केचवेयर में आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन बटन कैसे लगा सकते हैं। जी हां गाइस, यहां पे बहुत सारे ऐसे डेवलपर हैं जिन्हें पता नहीं है कि यहां पे बटन कैसे लगाते हैं किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने का। गाइस, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक बटन लिया है जिसमें मैंने यहाँ पे सेट किया है कि अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे व्हाट्सअप ओपन हो जाएगा। जी हाँ गाइस, यहाँ पे व्हाट्सअप एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं, इस बटन पे मैं अभी क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप में आ गया गाइस। तो इस तरह से आप यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सअप में आप आ जाएंगे गाइस, या आप चाहें किसी भी एप्लीकेशन में जाना तो जा सकते हैं। इस तरह से कैसे सेट करते हैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, यहाँ पर आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करवा सकते हैं अपने स्केचवेयर एप्लीकेशन से। तो चलिए बिना टाइम का इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो मिस ना करें। तो चलिए बिना टाइम का इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, बहुत सारे ऐसे जो डेवलपर हैं जो ये पूछते रहते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन बटन कैसे लगाते हैं, मतलब पैकेज नेम ओपन बटन कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्केचवेयर में सिंपली चले जाना होगा और स्केचवेयर में जाने के बाद यहाँ पे आप कहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताने वाला हूँ गाइस, यहाँ पे वो आप ये काम करेगा गाइस हमेशा। तो यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नेम रख देता हूँ यहाँ पे ओपन एनी ऐप और क्रिएट ऐप पे क्लिक कर रहे हैं गाइस। क्रिएट ऐप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो व्यू सेक्शन में हम डिज़ाइन कर लेंगे, सिंपली यहाँ पे एक बटन ले लेंगे जिसका नेम रख देता हूँ मैं यहाँ पे। आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करवा सकते हैं गाइस यहाँ पे। तो अगर आप टेलीग्राम को अगर ओपन करवाना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं गाइस। तो चलिए मैं आपको टेलीग्राम ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसका नेम दे देता हूँ इस बटन का, सिर्फ यहाँ पर टेलीग्राम ओपन टेलीग्राम, ये इसका नेम दे दिया। इसका साइज जो है मैं 25 कर देता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ गाइस यहाँ पे। तो ये बटन हो गया गाइस यहाँ पे, और इस बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे कि आप जिस एप्लीकेशन को ओपन करवा रहे हैं वो एप्लीकेशन आपके डिवाइस में जो है इंस्टॉल होना चाहिए, मतलब इंस्टॉल रहना चाहिए पहले से, तभी आप ओपन करवा पाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे नहीं करवा पाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद चलेंगे इवेंट में और यहाँ पे हम मोर ब्लॉक का यूज करेंगे गाइस। तो यहाँ पर मोर ब्लॉक पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं इवेंट में आने के बाद यहाँ पे इवेंट में आएंगे, उसके बाद यहाँ पे मोर ब्लॉक पे सेलेक्ट करेंगे तो नीचे में देख सकते हैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, और इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम एक ब्लॉक ऐड करेंगे जिसका नेम देंगे हम यहाँ पे ओपन ऐप। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा ऐड वेरिएबल, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे गाइस। सिंपल सा यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे वेरिएबल और यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो स्ट्रिंग हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसका नेम रखेंगे ऐप, यहाँ पे स्मॉल लेटर में ऐप लिखेंगे और इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे अभी नहीं क्लिक करना, पहले यहाँ क्लिक करना है, ऐड करना है। ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा गाइस ऐप, तब आपको फिर यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है, तो ये आपका कंपोनेंट जो है ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे इस कंपोनेंट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे मोर ब्लॉक कंपोनेंट के, तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा ऑपरेटर में और सिंपली यहाँ पे ऐड सोर्स डायरेक्टली कंपोनेंट को हम यहाँ पे यूज करेंगे गाइस। तो यहाँ पे इसमें कुछ कोड्स टाइप करेंगे जो कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ गाइस। तो यहाँ पे कोड्स को आपको कुछ इस तरह से टाइप करना है जो मैं अभी यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ, तो आपको ध्यान में रखना है गाइस, यहाँ पे जो मैं कोड टाइप करूँगा वही आपको टाइप करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे तो यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ कोड्स को टाइप करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम किसी भी अनदर एप्लीकेशन को ओपन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे इंटेंट का यूज होगा गाइस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंटेंट टाइप करेंगे, तो आई कैपिटल देंगे और यहाँ पे इंटेंट हम टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका नेम देंगे, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंटेंट लॉन्चर,
तो यहाँ पे एक सेकेंड गाइस, ये मेरा डिवाइस ये हैंग क्यों कर रहा है यार, सब सही है। एक सेकेंड गाइस, हाँ तो गाइस ये हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंटेंट का यूज़ करेंगे, तो आई इंटेंट देंगे, यहाँ पे आई कैपिटल में देना है। उसके बाद यहाँ पे इंटेंट दिए, उसके बाद इंटेंट का नेम हम देंगे, यहाँ पे इसका नेम देंगे इंटेंट, तो इंटेंट लॉन्च यहाँ पे लॉन्चर नहीं देना है, इंटेंट लॉन्च इंटेंट दिए। इंटेंट में आई जो है यहाँ पे कैपिटल है, ये वाली देख सकते हैं। उसके बाद लॉन्चर में या स्मॉल में एल है गाइस, यहाँ पे लॉन्च इंटेंट में फिर से आई देंगे गाइस कैपिटल। उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे हम यहाँ पे, आपको ये कोड को ध्यान से यहाँ पे ये टाइप करना है गाइस, ध्यान रखना है। यहाँ पे स्पेस लगा देता हूँ। उसके बाद गेट करवाएंगे यहाँ पे इंटेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, इंटेंट लॉन्च इंटेंट मतलब जो इंटेंट है उसका नेम है लॉन्च इंटेंट, और यहाँ पे गेट कर रहे हैं हम गेट, यहाँ पे गेट पैकेज पी जो है, यहाँ पे गेट करने के बाद यहाँ पे पैकेज जो पी जो है आपका कैपिटल होना चाहिए, मैनेजर में एम देंगे यहाँ पे कैपिटल, तो गेट पैकेज मैनेजर। उसके बाद यहाँ पे डॉट, इसे बंद करने के बाद ब्रैकेट लगा देने के बाद यहाँ पे डॉट देंगे, डॉट गेट लॉन्च इंटेंट, लॉन्च में यहाँ पे आपको कैपिटल में आपको एल देना है गाइस। उसके बाद आपको कैपिटल में आपको यहाँ पे इंटेंट देना है, मतलब आई जो है कैपिटल में देना है, तो इंटेंट, तो देख सकते हैं यहाँ पे गेट लॉन्च इंटेंट। उसके बाद यहाँ पे आपको फोर एफ कैपिटल ओ आर फोर पैकेज, तो पी जो है कैपिटल यहाँ पे पैकेज ये देंगे गाइस। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे टाइप करेंगे गाइस, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने के बाद ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ये लगाने के बाद डैश, और यहाँ पे क्या करेंगे हम ऐप स्मॉल में ऐप देंगे। ऐप हम यहाँ पे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने जो स्ट्रिंग ऐड किया था उसका नेम रखा था ऐप, तो वहाँ पे अगर आप स्ट्रिंग अगर दूसरा नेम रखते हैं तो आपको ध्यान में देना है, यहाँ पे भी आपको जो है यहाँ पे आपको देना होगा गाइस वही नेम। तो उसके बाद यहाँ पे ऐप हो गया, उसके बाद ये क्या होगा इसे बंद कर देते हैं हम गाइस यहाँ पे सेमी कॉलन लगा के, और ये हो गया गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं कि पैकेज नेम यहाँ पे गेट करेगा, तो ऐप में मैं पैकेज नेम हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट करेगा एक्टिविटी में ये जो है आपका वो होना चाहिए कैपिटल, तो आपको ध्यान में रखना है गाइस एक्टिविटी। और यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे देंगे क्योंकि क्या स्टार्ट कर रहे हैं आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, लॉन्च इंटेंट कंपोनेंट हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसे हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं एल ए यू एन सी एच लॉन्च इंटेंट आई एन टी ई एन टी, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको देना होगा, उसके बाद लास्ट में सेमी कोलन लगा देना होगा। तो देख सकते हैं आपको ध्यान से ये कोड को यहाँ पे टाइप करना है गाइस, यहाँ पे एड सोर्स डायरेक्टली वाले कंपोनेंट में यहाँ पे टाइप करना है, जो कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर आप कैपिटल स्मॉल लेटर में अगर लिखते हैं मिस्टेक करते हैं तो आपका एरर आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जिनका मतलब एरर आता है वीडियो को देखने के बाद भी सही से टाइप नहीं कर पाते, इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल करके यहाँ पे मैंने आपको सिंपल सा भाषा में समझाया गाइस। तो यहाँ पे आपको ध्यान में देना है इस तरह के सेम कोड आपको टाइप करना है गाइस, यहाँ पे टाइप करने के बाद यहाँ पे सेव कर देना है, तो यहाँ पे आपको इसमें आ जाएगा गाइस। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे आप ये आपका कंपोनेंट जो है तैयार हो गया गाइस। अब यहाँ पे अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे और भी बटन ले सकते हैं, इंस्टाग्राम ओपन कर सकते हैं, ये जो भी आप ओपन करवाना चाहते हैं उतना आप यहाँ पे बटन्स ले सकते हैं। तो मैंने बटन वन लिया है, एक सिर्फ बटन जिसमें मैं ओपन करवा रहा हूँ यहाँ पे टेलीग्राम। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर इवेंट में आएंगे तो व्यू में आएंगे तो यहाँ पे बटन आपको दिखेगा गाइस यहाँ पे, तो देख सकते हैं
बटन वन जो है मेरा दिख रहा है। अगर आपका नहीं दिखेगा तो यहाँ पे प्लस वाले पे क्लिक करके आप ऐड भी कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे इस बटन में आएंगे, जब मेरा बटन क्लिक होगा तो यहाँ पे नीचे में मोर ब्लॉक में आएंगे और यहाँ पे ये वाली कंपोनेंट को लाएंगे और यहाँ पे हम पैकेज नेम टाइप करेंगे। उस एप्लीकेशन का पैकेज नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है गाइस, जिस एप्लीकेशन को आप ओपन करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा गाइस, यहाँ पे आपको उसका पैकेज नेम जानना होगा गाइस उस एप्लीकेशन का। जैसे कि मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, तो मैं एक सेकंड यहाँ पे काट देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे मैं एक एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ जो कि मैं आपको बता देता हूँ किधर गया वो, एक सेकंड गाइस यहाँ पे मैं वीडियो को। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ऐप चेकर, मैंने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है। यहाँ पे आपको सारे एप्लीकेशन दिख जाएंगे जो भी आपके इंस्टॉल्स एप्लीकेशन है। तो सिंपली यहाँ पे सर्च में आपको सर्च करना होगा यहाँ पे जिस भी एप्लीकेशन को आप ओपन करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे टेलीग्राम को ओपन करवाना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप जो इतने भी आपके डिवाइस में इंस्टॉल रहे हैं वही सब दिखेंगे गाइस। तो यहाँ पे टेलीग्राम जो है एप्लीकेशन मेरे डिवाइस में इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे देख सकते हैं आ गया गाइस। तो टेलीग्राम पे यहाँ पे अगर इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पैकेज नेम आपको शो होता हुआ नज़र आ रहा है। तो बस सिंपली आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं उसका पैकेज नेम देखने के लिए गाइस। तो अगर आप डेवलपर हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा गाइस, तो इसमें मैं आपको कुछ बताने वाला नहीं हूँ एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस पैकेज नेम को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे सिंपली, सॉरी कॉपी हम कर लेते हैं यहाँ पे इस पैकेज नेम को। और यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे टेलीग्राम, यहाँ पे फिर से स्केचवेयर में हम चले जाएंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे गाइस। तो यहाँ पे आप जिस भी एप्लीकेशन को ओपन करवाना चाहते हैं उसका पैकेज नेम आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। आपको बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर आप पैकेज नेम में मिस्टेक करते हैं, थोड़ा सा भी डॉट लगा देते हैं या एक्स वाई की जेड लगा देते हैं, अगर पैकेज नेम आपको मैच नहीं खाएगा तो आपका एप्लीकेशन ओपन नहीं होगा। तो यह आपको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली रन करके आपको दिखाऊँ इस एप्लीकेशन को। तो गाइस यहाँ पे ये एप्लीकेशन जो है आपका सक्सेसफुल्ली यहाँ पे रन करेगा और ये वर्क करेगा गाइस। तो इस तरह से इंटेंट, मतलब यहाँ पे इंटेंट कंपोनेंट को यूज करके कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे इंटेंट का मैं यहाँ पे कोड यूज़ किया हूँ गाइस, आप कंपोनेंट को नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि कंपोनेंट में क्या होता है कि कभी कभी एरर भी आ जाता है, प्रॉब्लम भी आते हैं, तो इसलिए मैंने ये आपको मेथड बताया गाइस। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं अगर आप इस एप्लीकेशन को यहाँ पे, सॉरी ये अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपका जो है टेलीग्राम जो है ओपन हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लिक किया मैं और यहाँ पे टेलीग्राम मेरा ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पे पासवर्ड लगाया गाइस, तो यहाँ पे पासवर्ड एक बार डाल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे फिर से मैं ओपन किया तो टेलीग्राम ये ओपन हो रहा है गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप बैक भी आ जाएंगे तो फिर से अगर बटन पे क्लिक करेंगे तो ये टेलीग्राम एप्लीकेशन जो है यहाँ पे आपको सक्सेसफुली ओपन हो रहा है गाइस। तो इस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन को आप ओपन करवा सकते हैं बटन पे क्लिक करके और उसका आप यूज कर सकते हैं गाइस कहीं भी। ये एक्चुअली एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना दिया, सोचा कि इस पर वीडियो बना दूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे डेवलपर हैं जिनको नहीं पता। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।